सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि शिव भक्तों के लिए आज का दिन विशेष महत्व रखता है। आज के दिन शरीर में आध्यात्मिक और प्राकृतिक ऊर्जा का विशेष लाभकारी प्रभाव होता है। गरियाबंद में शिवरात्रि के पर्व पर शिव मंदिरों में सुबह से ही मंदिर प्रांगण में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। शिवरात्रि के इस शुभ अवसर पर भक्त मंदिर प्रांगण के अंदर बम बम बोले के जयकारे के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भक्त लंबी कतार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही महाशिवरात्रि में सभी गाँव के लोगों को बुलाकर भंडारा का आयोजन किया गया। तो बहुत भीड़ भड़ाका होते हैं, बहुत आदमी आते हैं, बहुत लोग उड़ीसा से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं और बहुत भीड़ भड़ाका होता है। बहुत दिन से 3 पीढ़ी हो गया हम नहीं जानते और बहुत सम्मान देते हैं पुजारी लोग को भी। जैतपुर में संसदीय सचिव चंद्रदेव राजेश्वर महादेव शिवलिंग के पूजा में सब परिवार शामिल हुए। इस दौरान संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने श्री राम जी राय के स्मृति में मां जयताई के पावन धारा महानदी में महाशिवरात्रि के पावन अवसर में पूजा में शामिल हुए, जो अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने संपन्न किया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर में राज्य के सुख और शांति और समृद्धि के विकास की मंगल कामना भी की है। भव्य शिव मंदिर के निर्माण और शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित सभी साथियों को शुभकामनाएं दी। जगदलपुर के बस्तर मुख्यालय पर अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन पिछले 26 दिनों से जारी है। प्रांत अध्यक्ष रुक्मणी सज्जन ने कहा कि जो भी पार्टी विपक्ष में होती है तब उसे हमारी मांग जायज लगती है, सत्ता में आते ही उनके सुर बदल जाते हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुछ महीने के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगर हमारी जायज मांगों को नहीं माना गया तो इसे हमें मजबूरन ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जो दोनों पार्टियों को बहुत बड़ी क्षति होगी। हमारी समस्या तो है, जो हमारे मुख्य मांगे हैं, मांगों को लेकर हम लोग 4 साल से समय समय पर शासन प्रशासन को ज्ञापन लेटर देते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई सकारात्मक ठोस बात आगे आनी उभर के नहीं आई है। इसलिए हमारे सभी प्रदेश भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएँ हड़ताल पे हैं। 23 जनवरी से अब 26वां दिन है, हम लोग इस हड़ताल में डटे हुए हैं। हमारी मुख्य मांग है, और इस सप्ताह के कांग्रेस पार्टी के आने के बाद जो जन घोषणा पत्र में जो है वही मांग रहे हैं। जो कलेक्टर दर की बात की गई थी, नर्सरी शिक्षक की दर्जा की गई बात की गई थी, बस उसी को मांग रहे हैं, पर अभी तक शासन तरफ से कोई वो पहल नहीं हुई है। इसलिए हमारा हड़ताल अभी भी जारी है और आगे तक जारी रहेगी। बीजेपी नेताओं की हुई हत्या को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बलरामपुर में भी धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को लचर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। बीजेपी के लोगों का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस से डरने वाली नहीं है। यहाँ आज पूरे प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन था, जो बस्तर में नक्सलियों के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या कर दिया गया था। धरना प्रदर्शन तो हम लोग आज 2 घंटे के लिए यहाँ पर हम लोगों ने किया था, जो कि पूरे राजपुर जनपद के पूरे कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। भाई पहले जिसे जोगी राज जिसे ना करें, इसको नक्सलियों को बड़ा मुश्किल से तो 15 साल में छुटकारा हम लोग नक्सलियों से पाए हैं। पूरा नक्सलियों के गढ़ छत्तीसगढ़ को ना बनाए। जिंदाबाद।
सूरजपुर भटगांव के विधायक और संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़ी अपने विधानसभा क्षेत्र के चंद्रवेड़ा माडर सहित कई गांव के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सीसी सड़क स्वास्थ्य विभाग के आवास भवन सहित लगभग 75 लाख के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही क्षेत्र के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और उनका निराकरण भी किया। संसदीय सचिव ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल विकास पर भरोसा करते हैं और गांव-गांव तक विकास कार्य हो रहे हैं। आज का दौरा कार्यक्रम पहाड़ अमोरनी से प्रारंभ किया हूं। पहाड़ अमोरनी में सीसी रोड का कार्य प्रारंभ हुआ, गाँव वालों से मुलाकात हुआ। इसके बाद चंद्रमेढ़ा स्वास्थ्य विभाग के आवास का भूमि पूजन हुआ और चंद्रमेढ़ा में ही सीसी रोड का भूमि पूजन हुआ, फिर कटिंदा में भूमि पूजन का हुआ। इस तरह से चारों जगह का भूमि पूजन लगभग 75 लाख का भूमि पूजन आज हुआ, जो कार्य आज के बाद प्रारंभ हो जाएंगे। सरगुजा में एक महिला ने अपने गांव के ही युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया है। महिला ने मामले की शिकायत थाने में की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी भावना गुप्ता ने आरोपी को पकड़ने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ है, जिसमें पुलिस को सफलता भी मिली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। सरगुजा में सांस्कृतिक गरिमा के प्रतीक कर्मा ने नए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की लूडरा शाखा का लोकार्पण किया। साथ ही नृत्य दल की दो ग्रुप शैला और डंडा नृत्य के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि रामदेव राम ने फीता काटकर लोकार्पण किया। उन्होंने क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी उपलब्धि बताई है। CGMSC के चेयरमैन डॉक्टर प्रीतम राम के कोशिश से लूनरा को बड़ी सौगात मिली है। बैंक के शुभारंभ होने से ग्रामवासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट सरगुजा ने किया। इस दौरान जिला पंचायत CEO विश्वदीप और अध्यक्ष रामदेव राम मौजूद रहे। रायगढ़ की साइबर सेल टीम लगातार गुम हुए मोबाइल को ट्रैक कर कुरियर और पुलिस टीम को भेजकर दूर प्रांतों दूर जिलों से मांगा रही है। SP सदानंद कुमार ने मोबाइल के मालिकों को बुलाकर उन्हें चोरी हुए मोबाइल वापस कराएं। पुलिस ने हाल में ही गुम हुए 215 मोबाइल रिकवर किए थे। रायगढ़ साइबर सेल ने अब तक रिकॉर्ड 1350 विभिन्न मॉडल के मोबाइल सेट रिकवर करके लोगों को बांट चुकी है, जो प्रदेश के दूसरे जिलों की कार्रवाई के मुताबिक काफी अधिक है। यानी हमारे थानों में और साइबर सेल में मोबाइल गुम हो जाने की काफ़ी सारे आवेदन थे, उस पर बताया गया कि उस पर जो है आप लोग जो उचित नियमता कार्रवाई है उस पर करें और जहाँ जहाँ भी ये मोबाइल है उसको ट्रैक करके उसको लाएं और उनके वास्तविक जो मालिक है उनको उन तक पहुँचाने का एक मुहिम चलाया गया, जिसके तहत साइबर सेल प्रभारी और हमारे SDOP एडिशनल SP सभी के मॉनिटरिंग करते हुए और साइबर सेल की टीम ने आज कुल 215 मोबाइल को जो है पिछले एक महीने के अंदर उनको लाया गया, जो या तो गुम हो गए थे या किसी कारण मिस हो गए थे, और इन 215 मोबाइल की कीमत लगभग 30 लाख आंकी गई और उनके आज सब जो उनके वास्तविक मोबाइल मालिक थे उनको बुलाकर आज उन्हें जो है उनके मोबाइल को वापस किया गया। जब मैं भी उनको दे रहा था तो काफी खुश नजर आ रहे थे। छत्तीसगढ़ के सरसेवा में ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी पर बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि ट्रक टक्कर मारकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया, वहीं क्लीनर मौके पर पकड़ा गया है। बलरामपुर के राजपुर विकासखंड में पिछले 9 फरवरी से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इनके इस धरना प्रदर्शन को
तेंदूपत्ता प्रबंधक संघ के प्रदेश महामंत्री सुरेश सोनी और राजपुर नगर पंचायत के पार्षद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूरनचंद जायसवाल ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूरनचंद जायसवाल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए वादे किए थे, जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ये मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि सरकार बनने से पूर्व मेरे समक्ष खुद जिसे इनकी बात को जिसे घोषणा पत्र में जोड़ा गया था उसमें लिखा गया था, घोषणा पत्र मेरे पास है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकार बनने के बाद आपका जिसे जो मानदेय का बढ़ोतरी करेंगे, मतलब उसको कलेक्टर दर करेंगे, क्योंकि 4.5 साल होने जा रहा है उसके बाद भी इन माता बहनों का मांग को नहीं किया जा रहा। इस नाते में संगठन तेंदुपत्ता प्रबंधक संघ के प्रदेश महामंत्री होने के नाते संगठन के तौर पे इनका पूरी तौर समर्थन करता हूँ, समर्थन करने आया था। हमारे महाराज सरगुजा चुनाव से पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच में आके बोले थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं निश्चित रूप से आपका मांग पूरा हो जाएगा, लेकिन भूपेश सरकार ने आज तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग पूरी नहीं कर पाई है। और मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होकर अगर इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो मैं कांग्रेस के लिए वोट मांगने नहीं जाऊंगा। छत्तीसगढ़ में एक महीने के अंदर 4 भाजपा नेताओं की हत्या को लेकर भाजपा में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में 2 घंटे का चक्का जाम किया। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों द्वारा 4 भाजपा नेताओं की हत्या कर दी गई, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता आक्रोश में है। बीजेपी ने मांग की है प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर करे और भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या के मामले की बेहतर तरीके से जांच हो, जिससे कि दोषियों को सजा मिल सके। नक्सलियों के द्वारा टारगेट करके भारतीय जनता पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की लगातार हत्याएं की जा रही हैं और कांग्रेस की ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार है मौन है। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी साल में भाजपा की गतिविधियों को बस्तर के अंचल में शून्य करने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को बंद करने के लिए साजिश के पूर्वक ये राजनीतिक हत्या है। और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ आज पूरे प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की राजनीतिक द्वेषवश हत्या किए जाने के विरोध में आज पूरे छत्तीसगढ़ में चक्का जाम का आयोजन किया, जिसके तहत आज अंबिकापुर भाजपा के द्वारा ये अम्बेडकर चौक में ये चक्का जाम का आयोजन। पूरे छत्तीसगढ़ की न्याय व्यवस्था बिगड़ गई है, आपराधिक तत्व हावी हो चुके हैं और उसके बाद अभी बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के 4 पदाधिकारियों को चुन चुन के हत्या कर दी गई है और उसके ऊपर एक्शन भी ठीक से नहीं लिया जा रहा है, पुलिस की कार्रवाई भी ठीक से नहीं हो रही है। इन सब मुद्दों को लेकर और सिर्फ यदि नक्सल ये कर रहे हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के चुन चुन के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ जो ये हत्याएं हो रही हैं, इन सबके विरोध में हम पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर हर विधानसभा में ये आंदोलन चक्का जाम का कर रहे हैं। 2 घंटे का है ये, 2 से 4 बजे तक का। जगदलपुर के कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में राज्य महिला आयोग की ओर से महिला उत्पीड़न पर नियंत्रण के लिए संभाग स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला विकास विभाग के जिला महिला संरक्षण अधिकारी वीनू हिरवानी ने बताया, सम्मेलन में एंटी ट्रैफिकिंग की और साइबर क्राइम जैसे मुद्दों में खुलकर चर्चा की गई, जहां पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरण मई नायक और पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का आज हमने संभाग स्तरीय सम्मेलन किया था, जिसका विषय था कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, साइबर क्राइम और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। इन 3 विषयों पर हमारा मेन फोकस था और महिला आयोग के कामों की जानकारी देना था। और अभी हम छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री महतारी न्यायरथ शुरू करने जा रहे हैं, तो उसकी भी हमने जानकारी दिया है। कानूनों की जानकारी सामान्य व्यक्ति को समझने की भाषा में यहाँ बताया गया है और प्रश्नों के माध्यम से उन्हें उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट भी करने का प्रयास किया गया है। और एक अच्छी नई पहल के रूप में हम इसे कह सकते हैं
कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेने वाले सभी सातों जिलों से जो अधिकारी कर्मचारी टीम आई थी वो जरूर अब इस सामान्य व्यक्ति की भाषा में चीज़ों को सीखे हैं, समझे हैं, तो वो इसे आगे बढ़ा सकते हैं और इसका फायदा हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। जगदलपुर में एक युवक अपने ऑटो में बैगन भरकर मार्केट ले जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार तीन व्यक्तियों ने ऑटो को रोका और चाकू दिखाकर 10,000 रुपए लूट लिए। युवक ने तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दिया है। थाना प्रभारी एमएन साहू के नेतृत्व में टीम गठित किया गया है। तीनों को न्यायिक रिमांड पर माननीय किशोर न्यायालय रवाना किया गया। प्रार्थी ऑटो चालक के द्वारा थाना कोतवाली आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वो कुड़कानार से अपने ऑटो में बैगन भर के आ रहा था संजय मार्केट, तो रास्ते में धर्मपुरा सब्जी मंडी के पास तीन लड़के जो मोटरसाइकिल में आए और उनके ऑटो को रोककर उन चाकू दिखाकर उसके जेब से लगभग 10,000 रुपये छीन कर ले गए हैं, जिस पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लगे हुए थे। सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर तीनों लड़कों की पहचान हुई और ये कालीपुर अटलावास के रहने वाले थे और तीनों औपचारी बालक हैं और जिनको आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करके संप्रेषण गृह भेजा गया है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।